हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ चलेगी आज आपकी फिजिक्स की क्लास साइंस। तो साइंस में जो आपके फिजिक्स की क्लास चलेगी, एक्चुअल में यहाँ आज ग्रेविटी फोर्स चालू होएगा, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे हम। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों को। और इस चैनल पर ग्रुप डी, NTPC, SSC, स्टेट पुलिस और PSI वगैरह सभी की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस और मैथ्स है, जिसकी बहुत वीडियो अपलोड हो चुकी है और साइंस को डिटेल में भी पढ़ाया जा रहा है। और साइंस के 500 MCQs भी हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप अगर जाकर उन्हें देखें उसके बाद ही आकलन आप करें उसका, कि वो क्वेश्चन किस तरह के हैं और आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें जल्दी, और आइए वीडियो की ओर देखते हैं। आज हम ग्रेविटी फोर्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको ये गुरुत्वाकर्षण से जस्ट पहले मैंने आपको फ्रिक्शन पढ़ा दिया। फ्रिक्शंस के पूरे नियम वगैरह सब मैंने आपको बताए हैं। फ्रिक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शंस क्या होता है, फ्रिक्शंस के क्या लाभ हैं, फ्रिक्शंस के क्या हानि हैं, सब बाय डिटेल टोटली स्थिति घर्षण, सीमांत घर्षण और जितने भी आपके एक्चुअल में घर्षण क्या होता है, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, सभी प्रकार के घर्षण मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाएं और वहाँ से अपना अच्छी तैयारी करें। आइए आज देखते हैं, आज गुरुत्वाकर्षण में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे हम केपलर के नियम। अब केपलर जो था, केपलर ने क्या कहा था, जो सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, चारों ओर जो गति करने वाले ग्रह होते हैं उनके लिए केपलर साहब ने तीन नियम दिए। कितने नियम दिए? तीन नियम दिए। तो तीन नियम में से दो नियम तो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, आप देखते जाएं इधर। तो देखिए, प्रथम नियम है केपलर्स का, जो प्रथम नियम था ये कक्षाओं का नियम था, बोले तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। तो इन्होंने इसमें कहा था कि सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह परिक्रमा करते हैं वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ये केपलर साहब ने कहा था प्रथम नियम में अपने। तो इसको मैं लिखता हूँ आपके लिए बोर्ड पर, तो आइए आप देखिए अच्छे से, और एक नोटबुक और अपना रजिस्टर लेकर बैठिए। जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, ये दीर्घवृत्त का चित्र है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं एवं सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। है, सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है, ठीक है। तो सूर्य कक्षाओं के लिख देना ही है, एक कक्षाओं के, सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। तो देखिए ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया था, जरूरत नहीं थी इसकी पर बना दिया है। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये जो आप ये जो गोला देख रहे हैं ना आप, एक्चुअल में चक्रण, यही दीर्घवृत्त होता है। क्या होता है? ये दीर्घवृत्त, जिसे हम दीर्घवृत्ताकार कक्षा बोलेंगे। ये एकदम गोल नहीं बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका पहले तो ये पूछा जाता है कि केपलर के नियम, केपलर ने कितने नियम दिए, क्वेश्चन आता है केपलर के द्वारा दिए गए कुल कितने नियम हैं। तो तीन नियम दिए थे केपलर ने। कितने नियम दिए थे? तीन नियम। प्रथम नियम में केपलर ने कहा था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं। हैं, अब अगर ऑप्शन में आ जाए गोलाकार कक्षा में चक्रण करते हैं, हैं चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं, या दोनों में करते हैं, उपयुक्त में से एक भी नहीं, तो आपको इस क्वेश्चंस का आंसर जो होगा वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगा, कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं केपलर के अनुसार, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेगा। अब सूर्य कहाँ स्थित होता है,
अब आप ये मत समझ लेना कि ये दीर्घ वृत्त है और यह सेंटर में आप सूर्य को बैठा दो इस तरीके से, हैं ऐसा नहीं है। ये एक फोकस पर स्थित है दीर्घ वृत्त कक्षा। देखिए सेंटर तो यहाँ रह गया। ये दीर्घ वृत्त का मतलब ये होता है कि वो एकदम गोल नहीं है इस तरीके से, वो इलिप्टिकल है। आप समझो मेरी बात को, इस तरीके से है वो। तो उसके एक फोकस पर स्थित है जहाँ से, अभी मैं दूसरा नियम जो आपको पढ़ाऊंगा वो क्षेत्रफलीय चाल का नियम है, दूसरा नियम, तो उसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो अभी आप सिर्फ इतना से समझ लो कि केंद्र ये है, केंद्र से अगर इस कक्षा की दूरी आर मानते हैं हम, ये स्मॉल आर, तो ये सूर्य से और ये ग्रह की दूरी ये पी ग्रह है। तो इस तरीके से ये एक कोण बनाएगा जो मैं आपको उधर बताऊंगा क्षेत्रीय के अंदर। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो सूर्य की स्थिति है ये फोकस पर है, एक है कक्षा के फोकस पर, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है सूर्य। तो ये चित्र बना के केवल आपको समझाया है मैंने प्रथम नियम को, है। अब इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय नियम की, केपलर का द्वितीय नियम है। तो आपके केपलर का द्वितीय नियम देखो, केपलर का द्वितीय नियम है क्षेत्रफलीय चाल का नियम। क्या है? क्षेत्रफलीय चाल का नियम। क्षेत्रफलीय चाल का नियम क्या कहता है कि जैसे ये कोई ग्रह ए है जिसकी पोजीशन ए है, अब बी भी होएगी इसकी पोजीशन बाद में, तो सूर्य से मिलाने वाली किसी ग्रह की रेखा समान समय में समान दूरी तय करती है। समान समय में समान दूरी, यानी ये जो दूरी है यहाँ से जाने में यहाँ तक जो समय लगेगा, वही समय यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगेगा। ये सूर्य फोकस पर स्थित है। कहने का मतलब ये है कि इस इलिप्स के अंदर ये सूर्य है और ये कोई ग्रह है जिसको मिलाने वाली कोई रेखा सूर्य से। अब जब ये ग्रह यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, तो इस तरीके से कोण बनेगा इसके बीच में। तो जितना ये दूरी तय करने में समय लगा है, अगर ये वापस इतनी ही दूरी चलेगा तो उतना ही समय लगेगा। बात आ रही समझ में? इसी को मैंने इधर बना दिया है, यानी सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान दूरी तय करती है। इसी को क्षेत्रीय चाल का नियम कहा गया है, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय चाल का नियम कहलाता है। तो अगर आप चाहो तो इसको लिख लेना, मैंने बोल के बता दिया, और यदि आप चाहते हैं तो मैं इसको लिख देता हूँ, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान दूरी तय करती करती है। यह हो गया आपका द्वितीय नियम। तो जब ये दूरी समान समय में तय करेगी तो यहाँ भी समान समय में ही तय करेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये चाल नियत रहती है, तो क्षेत्रफलीय चाल। अतः क्षेत्रफलीय चाल नियत यानी कांस्टेंट कांस्टेंट रहती है। क्षेत्रफलीय चाल क्या रहती है? नियत रहती है, फिक्स रहती है, मतलब फिक्स हो गई ना वो। अब मान लो 2 मिनट के अंदर इतनी दूरी तय करेगी तो फिर अगले 2 मिनट में भी इतनी ही दूरी तय करेगी, फिर उसके बाद 2 मिनट में भी उतनी ही दूरी तय करेगी। तो क्षेत्रफलीय चाल जितने क्षेत्रफल को घेर रही है ये 2 मिनट में, उतना ही आगे घेरेगी, तो क्षेत्रफलीय चाल नियत हो गया। और द्वितीय नियम किसके आधार पर संरक्षित है? केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का देखो, मैं है ना, या तो मैं इसको पहले लिख दूं, या समझाते वक्त मेरे को थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम इसलिए होता है कि मेरे को लिखने में भी टाइम लगता है, मैं समझाने में फिर मैं सोच के लिखता हूँ फिर उसको समझाता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें छोड़ भी देता हूँ, इसलिए बोलता हूँ उस वक्त आप नोट कर लिया करो। तो केपलर का द्वितीय नियम, कोणीय संवेग संरक्षण पर
आधारित है, ये याद रखना जरूर आप, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो अब ये किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, जैसे ये ए स्थिति समान समय में समान दूरी तय करेगी, जैसे ये बी तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगी उतना ही यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगी। समझ में आ गई बात। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि समान समय में समान दूरी तय करती है किस नियम के तहत, तो द्वितीय नियम क्षेत्रफलीय चाल के तहत। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफलीय चाल सदैव नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। दूसरा क्वेश्चन आपका, केपलर का द्वितीय नियम में क्षेत्रफलीय चाल वेरिएबल है या कांस्टेंट है, स्थिर है या अस्थिर है, हैं तो स्थिर है भाई, वो नियत है एकदम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका, केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। मैंने पढ़ा दिया है कोणीय संवेग संरक्षण, आप जाके देख लेना वीडियो में, क्योंकि अब उसको थोड़ी पढ़ाने के लिए बैठेंगे यहाँ, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तीन चार पार्ट में हुआ करीब, तो आप जाके कोणीय संवेग संरक्षण अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ये भी तो कोण ही बना रहा ना यहाँ पे ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों नियम पूरे हुए। अब तृतीय नियम की बात, केपलर का तृतीय नियम जो था परिक्रमण कालों का नियम कहलाता है। तृतीय नियम कौन सा है, परिक्रमण कालों का नियम, यानी जो चक्रण करता है वो परिक्रमा करता है, लॉ ऑफ पीरियड्स हैं, पीरियड्स यानी परिक्रमण काल। तो इसमें क्या बोला केपलर ने, ध्यान से देखना, अभी समझा दूंगा इसको मैं। किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, यानी परिक्रमण काल का वर्ग बोले तो टी समय का वर्ग, ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होती है। अब बात तो समझ में आई नहीं होगी आपके, कन्फर्म है ये तो हैं, तो मैं यहाँ समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। ये ऐसा बनाया था हमने एलिप्स, यहाँ सूर्य देव को बिठाया था फोकस पर, और ये एक सेंटर लाइन आपको दिखाई थी, और मैंने आपको कहा था कि ये सेंटर लाइन है पी है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये है आर, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये कोई ग्रह है क्यू, जो यहाँ से इस तरह से सूर्य से मिलाने वाली रेखा। तो परिक्रमण काल, जो परिक्रमण काल है उसको तो मैं टी से दिखाता हूँ समय को, ये टी, और ये परिभाषा क्या कहती है तृतीय नियम के अनुसार, कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, ये सूर्य है और ये ग्रह है, चारों ओर जब ये परिक्रमा करेगा तो वो परिक्रमण काल टी का वर्ग, तो टी का वर्ग, अब देखते रहना या ध्यान से हैं, टी का वर्ग। ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, अब ये है ग्रह और इसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा यही है चारों ओर है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, के अर्ध दीर्घ अक्ष की, अब दीर्घ अक्ष देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, दो ही है, तो बोल रहा है अर्ध, अर्ध का मतलब आधा हो जाएगा, ये अगर एक्स अक्ष पूरा है, ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक अगर ये पूरा एक्स अक्ष है एक्स अक्ष, तो अर्ध का मतलब क्या हो जाएगा, आधा इधर, तो अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात, और अर्ध दीर्घ अक्ष की जो हमने बताई है इसको आर से बताया है, आधे अक्ष को आर से दूरी बताई है ना, यहाँ केंद्र से ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, तो आर प्लस आर टू आर हो जाएंगे अगर मैं जोड़ता हूँ तो अभी तो मैं आर ही मानता हूँ, तो अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात तो बराबर ये आर की घात तीन के समानुपाती होती है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रोपोर्शनल लगा दूंगा, ये समानुपाती, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती आर क्यूब। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो इतना रामायण है ना, ये परिभाषा जो आपको मैंने बताई है, ये जो इतनी रामायण है ना, वो यहाँ पूरी कर दी मैंने इतनी सी में, क्यों, क्योंकि ये यही चीज़ कह रहा है। अब आप इससे भी परिभाषा बना सकते हो, किसी भी ग्रह की चारों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग है, और उस ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार अक्ष की अर्ध अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है, वही चीज़ यहाँ लिखा है, तो आपके समझ में आ गया डायग्राम से, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है तृतीय नियम। और एक नोट लगा के लिख लेना, आपके क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना,
जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना अधिक होगा। होगा जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना अधिक होगा, और जो सूर्य से जितना नज़दीक होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। ये भी लिख लो यहाँ पे। इसीलिए तो बुध परिक्रमा जल्दी करता है, क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक बुध ही है, तो उसका परिक्रमण काल तुरंत पूरा हो जाता है ना। आपने जीके में पढ़ा भी होगा, है ना। अभी मत पूछना कि सर ये कितने दिन का होता है, वो कितने दिन का होता है ना। और जो जितना नज़दीक होता है उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होता है। ये लिख दिया मैंने आपको, हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो ये केपलर का तृतीय नियम भी हो गया। तो आज की वीडियो में यहीं तक, ये केपलर के नियम आपके समाप्त हो गए गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद गुरुत्वीय केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसके बाद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम चालू हो जाएगा हमारा। लेकिन अभी इसके बाद हम गुरुत्वीय केंद्र पढ़ेंगे। सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स पूरे तरीके से। केपलर का नियम पढ़ाना मुझे ज़रूरी था, आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि केपलर ने भी गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ये सब बताया है। तो ये केपलर के तीनों नियम हो गए। यदि आपको समझ में आया, चैनल अच्छा लगा, आपको कंटेंट अच्छे मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।